हेलो एवरीवन, मायसेल्फ सोनू हार्डवेन और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 54 के ऊपर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि समय और दूरी का मैथ। समय और दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम एंड डिस्टेंस कहते हैं। इसका मैथ किस प्रकार से बनाया जाता है तो थोड़ा सा जान लीजिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ 3 फॉर्मूला बताऊँगा और 2 कॉन्सेप्ट बताऊँगा, यानी 5। यदि आप ये 5 कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाते हैं तो आपका पूरा मैथ आसानी से बन जाएगा। देखिए ध्यान से, क्या पहला हमारा चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय आपको क्या करना है, याद रखना है। चाल निकालने बोलेगा तो दूरी बटा समय बैठा दीजिएगा, निकल जाएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय करना पड़ेगा। और समय कैसे निकलेगा? तो दूरी बटा चाल कर देंगे तो आपका ये भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, वो ये कि अगर सवाल देखिए दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, अगर सवाल देखिए दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में और उसको हमको चेंज करने बोल रहा है मीटर प्रति सेकंड में, काफी अंतर है। अगर देखिए दिया गया सवाल किलोमीटर प्रति घंटा में और चेंज करने बोल रहा है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए करना पड़ेगा हमको 5/18 से गुना। कितना से? 5/18 से गुना करना पड़ेगा। और जस्ट इसका अगर हम उल्टा करते हैं, यानी कि सवाल दिया हुआ मीटर प्रति सेकंड में और इसको चेंज करना, अगर हमको मान लीजिए बोला जाएगा कहीं पे कि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? 18/5 से गुना करना होगा। ऐसा समझ में? अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। और अगर मीटर में दिया गया और उसको चेंज करना है किलोमीटर में तो क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे। समझ में आ गया? इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बस यही 5 चीज़ आपको याद रखना है। अब फटाफट मैथ बनाता हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, ये जो देखिए दो मैथ है कैसे बनेगा। क्या बोला गया है? एक घड़ी की सॉरी एक गाड़ी की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो 6 घंटे में कितने दूर जाएगी? तो एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है, यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका इकाई, कि चाल को हम लोग किस में मापते हैं, समय को किस में मापना है और किस में हमको किस में क्या लेके चलना है, जो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर गलती हो जाएगा तो आपको पूरा मैथ गलती हो जाएगा, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे चाल कितना दिया हुआ है, पहले इसको उतार लेते हैं, ठीक है। चाल कितना देखिए दिया हुआ है? चाल बराबर 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 65 किलोमीटर कितना? प्रति घंटा। और 6 घंटा मतलब क्या? समय। घंटा को हम लोग किस में मापते हैं? घंटा हो या मिनट, सबको मापते हैं समय में। समय कितना होगा? 6 घंटा। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर किस देखिए यहाँ पर चाल में दिया हुआ किलोमीटर और घंटा दो चीज़ दिया हुआ है, और उसके अलावा जो आपका समय दिया गया वो भी घंटा में दिया गया है, तो यहाँ भी घंटा मिल गया और यहाँ भी घंटा मिल गया। जब दोनों में हमको सेम सेम मिल गया ना, तो हम जा कर के इसको नॉर्मल सा सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर दिया हुआ घंटा में और आपको समय दिया गया मिनट में, तो यहाँ पर हल्का सा आपको चेंज करना पड़ेगा। पहले आप इसको समझें ध्यान से। तो निकालने क्या बोला? कितने दूर जाएगी? अब दूर जाएगा मतलब क्या हो गया? दूरी निकालने बोला गया, दूरी निकालिए। तो अभी तो मैंने आपको बताया था दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। कमेंट कीजिए फ्रेंड, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? चाल गुना समय। दूरी बराबर कितना होता है? चाल गुना समय होता है। तो चाल कितना हो गया? 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और समय कितना हो गया? 6 घंटा हो गया। काटिए तो 6 काटने बोल रहे, गुना करना होगा ना। 6×5=30 हो गया, बचा 3, 6×36 होता 3 होता 39, यानी कि दूरी हो गया 390। 390 क्या? देखिए यहाँ भी घंटा था, यहाँ भी घंटा था, दोनों घंटा क्या कट गया, क्या बचा? किलोमीटर बच गया ना। तो यहाँ पर दूरी कितना निकल के चला आया? 390 किलोमीटर। आया समझ में? यहाँ समझिए, एक गाड़ी की चाल सेम क्वेश्चन है, अलग नहीं है, बस हल्का सा वहाँ पर टाइमिंग को लेकर घुमा देगा, तो आपको वो समझना ध्यान से। एक गाड़ी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 3 घंटे 30 मिनट में कितना दूरी जाएगी? 3 घंटा था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन साथ में यहाँ पे मिनट भी जोड़ दिया है, तो कुछ नहीं करना है, मिनट को भी चेंज कर देंगे घंटा में, है कि नहीं? मिनट को भी क्या करेंगे? घंटे में चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे चाल कितना हो गया ये, तो चाल निकल के आ गया 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पे समय कितना देखिए निकल के मतलब लिखा गया है हमारा 3 घंटा 30 मिनट। तो क्या करते हैं, इस घंटा को इस
मिनट को भी घंटा में चेंज कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये जो 3 घंटा दिया गया है, इस 3 घंटे को जैसा है इसका वैसे रहने देते हैं, ठीक है। और इस मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको सिखाया था, अगर घंटा से मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुना करेंगे, और मिनट से अगर घंटा में जाना है तो 60 से भाग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मिनट से जा रहे घंटा में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे किसको, जो हमारा मिनट में दिया हुआ है, यानी कि इस 30 को 60 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब सॉल्व कर देना है, क्या ये कट रहा, काट दीजिए, तो 30 से कम 30 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, तो क्या, तो यहाँ पे क्या निकल के चला आया, 3 पूर्णांक 1/2 निकल के चला आया, ठीक है। तोड़ने पर कितना आता है पूर्णांक, बस यहाँ पे पूर्णांक में सवाल आ जाएगा, और क्या थोड़ी है, कितना होता है, 2 3 6 7/2 हो जाएगा ना, यानी कि 7/2 क्या हो गया, घंटा हो गया, ठीक है। देखिए चाल हो गया 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हो गया 7/2 घंटा। पूछा क्या, दूरी पूछा गया है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितना देखे दिया हुआ, 32 दिया हुआ है, और समय कितना देखे निकल के आया, 7/2 घंटा निकल के चला आया, काट दीजिए, ये तो मैंने आपको सिखाया था ऐसा वाला मैथ, 2 से 32 कटेगा 16 बार में, तो 16 से 7 कितना होगा, 7 से 42, यानी कि 112 दूरी दिया गया, तो किलोमीटर में यहाँ पे दिया गया चाल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 112 किलोमीटर जो है वो जाएगा इन 3.5 घंटा में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों मैथ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला देखिए फ्रेंड्स, वो मैंने आपको सिखा दिया 2 कॉन्सेप्ट, अब बढ़ते हैं अगले 2 कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें क्या देखिए बोला गया है, एक गाड़ी 4 घंटे में 360 किलोमीटर जाती है। वाह, अच्छा बात है ना, एक गाड़ी 4 घंटे में जाती है 360 किलोमीटर, तो बताना है कि 1 घंटा में कितना दूर जाएगी। तो जब भी बात करें 1 घंटा का, तो वहाँ पर भाग करते हैं, बट यहाँ पर मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया है आप उसी हिसाब से पहले बना लीजिए, कॉन्सेप्चुअल मैथ मैं आपको बाद में समझा दूँगा। यहाँ पे पहले दिया क्या क्या है, तो समय देखिए दिया गया यहाँ पे, समय बराबर है 4 घंटा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूरी कितना दिया गया है, दूरी दिया गया 360 किलोमीटर, समय है 4 घंटा, दूरी है 360 किलोमीटर, तो बताना है 1 घंटा में कितना दूर जाएगी। तो नॉर्मली सब बात है कि हमसे वो क्या निकालने बोला गया है, तो देखिए बोला गया 1 घंटा में कितना दूरी जाएगी, तो जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को निकालते हैं 1 घंटा में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, चाल कहलाता है, क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। तो समय देखिए दिया गया 4 घंटा, दूरी दिया गया 360 किलोमीटर, हमको निकालने बोल रहा है चाल, चाल कितना हो जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया था अभी कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यानी चाल बराबर क्या होता है यहाँ पे, दूरी बटा समय होता है। चाल क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी बटा समय होता है, तो दूरी हो गया 360 किलोमीटर और समय हो गया 4 घंटा, काटिए, तो 4 से काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा, 90 बार में, तो चल कितना निकल के चला आया, किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा समझ में, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि चाल हमारा क्या दिया हुआ है, एक सेकंड, चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और 360 किलोमीटर हमको जाना है, जाना है मतलब हमको इतना दूरी तय करना 360 किलोमीटर, तो बताना है कि हमको कितना टाइम लग जाएगा। तो कितना आसान सा सवाल है, हमको टाइम कितना लग जाएगा, तो चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, हमको क्या निकालना, समय निकालना है, यानी टाइम कैसे निकलता है फ्रेंड्स, तो समय का फॉर्मूला निकालिए। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हिंदी भूल गए, यहाँ देखिए तो समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना हो गया यहाँ पे 360 हो गया, और यहाँ पे चाल कितना हो गया 60 हो गया, समय है तो घंटा में आंसर होना चाहिए, याद रखिएगा, काटिए, तो 60 से कटेगा 6 बार में, यानी कितना निकल के चला है, समय हो गया 6 घंटा। आए समझ में, अब बढ़ते कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये समझिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये मतलब कि क्वेश्चन लास्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट लास्ट है, बाकी आप पूरा तो आप ही को ना करना है। एक गाड़ी की चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो वह 2 घंटे 15 मिनट में कितनी दूर जाएगी? तो सबसे पहला काम क्या दिया गया उसको पहले छाप लेना है। तो चाल देखिए कितना दिया हुआ, तो चाल हमारा दिया हुआ यहाँ पे 240 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए समय कितना दिया हुआ है, समय दिया गया 2 घंटा और 15 मिनट। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया था कि यहाँ देखिए दूरी कितना, दूरी हमको किस में लेना पड़ेगा, किलोमीटर में, और समय कितना में लेना पड़ेगा, तो देखिए घंटा में दिया हुआ पहले से ही, तो हमको यहाँ पर भी इसको घंटा में रखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, जो 2 घंटा से रहने देते ऐसा है, और जो 15 मिनट है ना उस मिनट को अगर घंटा में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इसके लिए 60 से भाग करना पड़ता है। तो देखिए कट गया 15 कम 15 कटा, 15 जो 60 कट गया, कितना निकल के आएगा, 2.4 घंटा निकल के चला आया। काटने पे 9/4 घंटा क्या हो गया हमारा आंसर निकल के चला आया। तो चाल भी हो गया, घंटा समय भी हो गया, अब दूरी निकालना है कितना दूर जा रही है बेचारी, मतलब जाता है। यहाँ पर देखिए दूरी निकाल दिया, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी क्या हो गया हमारा यहाँ पे, चाल गुना समय हो गया, है ना, चाल गुना समय कीजिए गुना, चाल कितना हो गया 240 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना हो गया 9/4 हो गया, तो 4 से कट गया ये 60/12 में, 60 में होता है 540, यानी कि 540 किलोमीटर उसको लग जाएगा जाने में, कितना टाइम लग जाएगा 2.25 घंटे में, दैट मीन्स कि 2 घंटे 15 मिनट में वो जो है चला जाएगा 540 किलोमीटर। यदि वो चलता है 240 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि मैंने आपको जब भी समझाया पूरा कॉन्सेप्ट समय और दूरी का, आपको बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझ में चला आया होगा। यहाँ पर आपका जो अंकगणित का जो पोर्शन है वो भी फिनिश हो जाता है, और कल से मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेंसुरेशन, यानी कि जिसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको बस ये पढ़ना होता है कि आयत का, वर्ग का, मैथ, ठीक है। तो मैं आपको कल बताने वाला हूँ, जब तक आप इसको पूरा प्रैक्टिस कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उनका भी भला हो जाए, मेरा भी फायदा हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।